ਚਲੋ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇਗਾ ਜਾ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਆਇਆ ਉਹੀ ਅੰਗਾ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ
ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਚਾਈ ਮੋਚਾ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਮੋਚਾਈ ਮੋਚਾ ਤੀਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੋਚਾਈ ਮੋਚਾ ਸਿੱਤੇ ਆ ਗਈ ਮੋਚਾਈ ਮੋਚਾ ਬਸ ਕਰ ਜੋ ਮੋਚਾਈ ਮੋਚਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਚਾਈ ਮੋਚਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਉਹ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਰ ਕੋਣ ਆਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਰ ਅਰੇ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ठीक है।
भेज रहे हो? अरे वो मास्टर नहीं आए तो मेरा फर्ज बनता ना पढ़ाने का। ऐसा कैसे बहन जी, वो तो रोज ही नहीं आएंगे, आप रोज ही हमें बैच पढ़ाओगे, हम नहीं पढ़ते। हमारा तो भविष्य खराब हो जाएगा बहन जी। चलो चलो चुप करो, मैं पूछती हूँ एक प्रश्न आपसे। अगर 10 बंदे एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो 15 बंदे एक काम को कितने दिन में करेंगे? चलो चलो बताओ। बहन जी इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। क्यों? हम हमारे खेत काम कौन सा है लेकिन बहन जी? गेहूँ बांधनी है। बहन जी हमारे खेत में भी पहिए लगे हैं, पहले मैं 10 पहिए लगाऊंगा, फिर दिन गिनूंगा, फिर 15 पहिए लगाऊंगा, फिर दिन गिनूंगा, थोड़ा टाइम दो। चलो चलो। ऐसे थोड़ी होता है बहन जी, मैथ का कोई फॉर्मूला होता है, ये तो मैथ ही गलत करती है इसने। ऐसे कैसे उसने मैथ गलत करती है? ये बहन जी ये फॉर्मूला होता है मैथ का कोई, ऐसे तो गलत हो गया सुनिए। चलो चलो तुम बताओ फिर। बहन जी मेरे पापे के पास ना दशमेश की कंबाइन है, उसने एक दिन में काट देना है, आपका सामने गलत है, आप हमें गलत मैथ पढ़ा रहे हो। चलो चलो बेवकूफ नीचे बैठो। बहन जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। बहन जी मैं गोलू नूं लैण आया। वो तो आ गई, बहुत कमजोर है, पढ़ाई में तो आप गोलू को लजाने की बात कर रहे हो। बहन जी वो तो बहुत हट्टा कट्टा है, आप गोलू में बहुत कमजोर है।